हेलो फ्रेंड तो आज का टॉपिक है हॉस वायरिंग हॉस वायरिंग में जानेंगे कि कैसे एनर्जी मीटर को कनेक्शन किया जाता है जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है और जो स्विच बोर्ड होता है उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है या कोई भी लोड है जैसे फैन फैन का कनेक्शन कैसे किया जाता है जैसे कोई भी बल्ब है तो बल्ब का कनेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ जो गांव में जो ट्रांसफार्मर बैठा होता है उसको लोकल सब स्टेशन बोलते हैं वहां से जो लोकल सब स्टेशन से आता है नॉर्मली फोर वायर सिस्टम आता है उसमें क्या होता है तीन फेज होता है एक न्यूट्रल होता है तो हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे एनर्जी मीटर का सिंगल फेज एनर्जी मीटर है तो इसमें हम वन फेज और न्यूट्रल लाए हैं तो फेज और न्यूट्रल के बीच में यहाँ पे दो वोल्ट आपको मिलेगा तो यहाँ से हम देखते हैं फेज को हम क्या करेंगे कि इसमें वन टू थ्री फोर पॉइंट होता है एनर्जी मीटर में सिंगल फेज एनर्जी मीटर में तो यहाँ से फेज को लाएंगे और यहाँ पे वन में कनेक्ट कर दिए और यहाँ से न्यूट्रल को लाएंगे न्यूट्रल को लाएंगे और न्यूट्रल को ला के टू में कनेक्ट कर देंगे टू में कनेक्ट कर दिए अब बचा थ्री फोर तो थ्री फोर क्या करेंगे थ्री से हम क्या करेंगे एनर्जी मीटर के थ्री पॉइंट उठाएंगे और यहाँ से ला जो मेन सर्किट ब्रेकर होता है उसमें एम में ला के यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए अब क्या करेंगे कि जो एनर्जी मीटर का फोर पॉइंट है उससे फेज को लाएंगे, फेज को ला के यहाँ मेन सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट कर देंगे मेन सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट कर देंगे मेन सर्किट ब्रेकर में कनेक्ट कर, कर, कर देंगे तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया एक एनर्जी मीटर में लाएँ इनपुट में कनेक्ट कर दिए फेज और न्यूट्रल और आउटपुट में हम कनेक्ट कर दिए फेज और न्यूट्रल है मेन सर्किट ब्रेकर है मेन सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि कोई भी घर में जैसे कोई आप बोर्ड यूज कर रहे हैं ये बोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ खराबी आ गया तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ से ऑफ़ करके आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं चाहे आप फैन फैन नहीं चल रहा है कुछ हो गया है वायर कट गया है या वायर चूहे द्वारा काट दिया गया है तो वहाँ पे इसको ऑफ करके आप यहाँ से इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं इसको बना सकते हैं सी एफ एल है सी एफ एल नहीं जल रहा है क्या इसमें हुआ है इसको मेंटेनेंस आप कर सकते हैं तो इसके कनेक्शन देखते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे कि हम सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं तो न्यूट्रल यहाँ से उठाएंगे न्यूट्रल उठाएं और न्यूट्रल उठा के हम एक लैंप को दे दिए और यहीं से उठा के एक फैन को दे दिए और यहाँ से एक न्यूट्रल उठाएं और एक न्यूट्रल दे दिए हम इस सॉकेट को टू पॉइंट सॉकेट है इसको एक न्यूट्रल कनेक्ट कर दिए अब क्या करेंगे कि फेज को उठाएंगे यहाँ से यहाँ से फेज को उठाएं फेज को उठा के सबसे पहले जो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है बोर्ड में इस फ्यूज में कनेक्ट कर दिए एक टर्मिनल में और फ्यूज का दूसरे टर्मिनल में हम इसमें एक इंडिकेटर इंडिकेटिंग लैम्प भी लगाए हैं बोर्ड में तो इंडिकेटिंग लैम्प में फेज डाल दिए इस, इस स्विच में डाल दिए फिर जो है फ़ैन का स्विच है फ़ैन का स्विच में डाल दिए सॉकेट का स्विच है तो सॉकेट के स्विच में फेज डाल दिए अब जो सॉकेट का स्विच है उसमें दो टर्मिनल होगा तो एक में फेज डाल दिए दूसरे टर्मिनल से फेज तो निकाल के हम इस तो सॉकेट में डाल देंगे जिससे क्या होगा इसको जब ऑन करेंगे हम तो ये सॉकेट ऑन हो जाएगा ऑफ़ करेंगे तो ये सॉकेट ऑन ऑफ हो जाएगा अब रेगुलेटर को देखते हैं रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे होगा तो रेगुलेटर में क्या करेंगे ए रेगुलेटर का क्या है ए फ़ैन का ऑन ऑफ बटन है स्विच है ऑन ऑफ स्विच है तो यहाँ से उठाएंगे यहाँ से उठा के रेगुलेटर का में दो पॉइंट होगा रेगुलेटर एज ए रजिस्टर जैसा रहता है क्या करते हैं कि रजिस्टर को कम बेसी करते हैं तो उससे क्या होता है कि फैन का स्पीड कम बेसी होता है तो इसमें रेगुलेटर के दो पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट में एक पॉइंट में यहाँ से स्विच से जो दूसरा टर्मिनल निकला है फेज वहाँ कनेक्ट कर दिए और जो जो रेगुलेटर है रेगुलेटर से दूसरे टर्मिनल को हम ला के यहाँ से फ़ैन में कनेक्ट कर दिए फैन में कनेक्ट कर दिए तो इसको कंप्लीट हो गया जब इसको इस स्विच को ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा रेगुलेटर को कम बेसी करेंगे जिससे क्या होगा कि हमारा फ़ैन भी कम बेसी होगा अब लैम्प तो एक स्विच है ये लैंप का स्विच है तो लैंप का स्विच है तो लैम्प में ले जा ऐसे इसको कनेक्ट कर देंगे जब लैम्प को ऑपरेट करना रहेगा ऑन करने के स्विच को तो ऑन हो जाएगा जब इसको ऑफ़ करेंगे तो ये लैम्प ऑफ हो जाएगा अब बचे इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग लैम्प तो इंडिकेटिंग लैम्प में देखिए फेज दे चुके हैं तो इसको मैं न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल हम क्या करेंगे कि यहाँ से न्यूट्रल उठा के इसको न्यूट्रल दे देंगे जिससे क्या होगा कि जब घर में लाइट आएगी तो यहाँ पे इंडिकेटिंग जो लैम्प है इसको न्यून लैम भी बोलते हैं तो ये जलने लगेगा जिससे पता चलेगा कि हाँ पावर आया हुआ है जब और ये क्या है सर्किट ब्रेकर जैसे ओवरलोड लोड करेंट फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा सॉरी सर्किट ब्रेकर नहीं है ये क्या है फ्यूज है तो अगर ज़्यादा करेंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज क्या करेगा ए फ्यूज जल जाएगा तो इसलिए इसको लगाते हैं यहाँ से मेन इसी में आता है फ्यूचर फ्यूज से फिर इधर हम लोग सप्लाई देते हैं तो ये हमारा कंप्लीट ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया हाउस वायरिंग का तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तो इस वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें